चंद्रमा की धरती पर पैर रखते ही हुई टिप्पणी। सांसद दिग्विजय सिंह की टिप्पणी पर हुआ विवाद। इसरो के वैज्ञानिकों को नहीं मिलता है वेतन। तो आइए जानते हैं क्या है सच और क्या है फसाना। भारत के चंद्रमा लैंडर ने योजना के अनुसार सफलतापूर्वक चंद्रमा की धरती पर अपने पैर आसानी से और सुरक्षित रूप से स्थापित कर लिए। इसके साथ ही यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। मगर इसी दिन यानी बुधवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की एक टिप्पणी पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए कड़ी मेहनत करने वाले इसरो के वैज्ञानिकों को उनका वेतन नहीं मिलता है। उन्होंने दावा किया है कि मीडिया के कुछ हिस्सों में यह खबर आई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने मिशन की कामयाबी से कुछ घंटे पहले कहा कि यह हम सभी के लिए बहुत गर्व का क्षण है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। हम ईश्वर से उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन अखबारों में खबरें हैं कि ऐसा करने वाले वैज्ञानिकों को 17 महीने से वेतन नहीं मिला है। प्रधानमंत्री को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि उनके इस बयान के बाद विवाद शुरू हो गया। उनकी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता हमेशा देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी को चंद्रयान 3 और हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है, लेकिन वे इस पर सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश को हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है। मैं सभी वैज्ञानिकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने बहुत कुछ हासिल किया है। तो वही मामले में जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो कांग्रेस नेता ने एक न्यूज वेबसाइट की खबर का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कहा अखबारों में खबरें हैं और उनमें से एक को यहाँ भी लगा रहा हूँ। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि फर्क बस इतना है कि इसरो के नहीं मगर सरकारी PSU HEC के इंजीनियर और कर्मचारी है जिन्होंने चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के लिए मोबाइल लॉन्च पैड तैयार किया है। मैं मानता हूँ कि इस कामयाबी में इनका भी हिस्सा है, पर अफसोस है कि उनका हक उन्हें नहीं मिल रहा। सार्वजनिक क्षेत्र की यह कंपनी भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के तहत आती है।